कश्मीर से अनुच्छेद 370 की हुई विदाई। अब कश्मीर में लागू हुआ एक झंडा एक विधान। बाहर के लोग भी अब कश्मीर में खरीद रहे जमीन। सरकार से सुनिए अब तक कितनों ने खरीदी जमीन। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद इस हिंदुस्तान में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी सरकार में ये दम नहीं था कि वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा कर सके, जिससे कश्मीर भी पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए और इस राज्य में भी एक झंडा एक विधान लागू हो सके। ये दम किसी सरकार में था तो वो है मोदी सरकार, जिसने 5 अगस्त साल 2019 के दिन एक झटके में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा कर दिया और जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में भी एक झंडा और एक विधान लागू हो गया। तो जिस कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद पा रहे थे, उस कश्मीर में भी अब देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है। इतना ही नहीं, जिस संसद में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसी संसद में सरकार ने पूरा आंकड़ा रख दिया कि अब तक कितने बाहरी लोगों ने कश्मीर में जमीन खरीदी है। दरअसल जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें ये कहा गया था कि कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर के निवास के बिना नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि छोड़कर जमीन खरीद सकता है। इसके बाद से अब तक कितने लोगों ने जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदी, इसे लेकर राज्यसभा में लिखित सवाल पूछा गया था, जिस पर मोदी सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने से जुड़े आंकड़े पेश किए, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बाहर के कुल 185 लोगों ने साल 2020, 2021 और 2022 के दौरान जमीन खरीदी, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से दी गई जानकारी के हवाले से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, पिछले 3 सालों में लद्दाख में किसी भी बाहरी व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में एक बाहरी व्यक्ति ने जमीन खरीदी, 2021 में 57 बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी, 2022 में 127 लोगों ने कश्मीर में जमीन खरीदी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नहीं, मोदी सरकार के इस एक दमदार फैसले का असर ये हुआ कि जिस कश्मीर में कभी पत्थर बरसते थे, आतंकी घटनाएं हुआ करती थी, उस कश्मीर में अब तो निवेश भी खूब आ रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन के जरिए पूरे देश को बताया कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत देश की कुल 1,559 कंपनियों ने अब तक राज्य में निवेश किया। इतना ही नहीं, पिछले महीने ही मार्च में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 250 करोड़ की लागत से बन रहे मॉल की नींव रखी थी। ये मॉल संयुक्त अरब अमीरात का एमआर ग्रुप बना रहा है, जिससे भविष्य में कश्मीर के साथ साथ यहाँ के लोगों की किस्मत भी बदल जाएगी और पूरे देश के साथ साथ कश्मीर भी विकास के रास्ते पर दौड़ सकेगा। बहरहाल मोदी राज में बदलते कश्मीर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव आंसर दिया है। जिन लोगों ने कश्मीर फाइल नहीं देखा है, कम से कम इस उत्तर को देख लें तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर का कितना डेवलपमेंट हुआ है। मेरा एक प्रश्न है मंत्री जी से कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब तक का डेवलपमेंट वहाँ पर अर्बन सेंट्रिक था, इस डेवलपमेंट से डोडा से लेकर बारामूला तक आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें आम लोगों तक, गांव के लोगों तक कितना लाभ पहुंचा है? धन्यवाद महोदय, बहुत ही अच्छा सवाल किया है माननीय राकेश सिन्हा जी ने। मोदी सरकार परिणाम देने वाली सरकार है। मोदी सरकार जो करती है वही कहती है और जो कहती है वही करती भी है। कितने सुखद परिणाम आए हैं। परिणाम सुनिए ना, मैं प्लीज 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 बहुत
चर्चा होती है रोजगार की, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगभग 51 लाख रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, 51 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो वहां के नौजवानों को रोजगार देने में बहुत ही ज्यादा सार्थक है। 4,50,000 लोगों से अधिक को रोजगार का अवसर प्राप्त होने की संभावना है। 2019 से अभी तक 26,303 पदों की पहचान की गई है, जिसमें 11,324 राजपत्रित कर्मचारी और अराजपत्रित कर्मचारी और फोर्थ क्लास के पदों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। शेष रिक्तियों की प्रक्रिया जारी है। तेज सड़क निर्माण के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। 2019 के पहले सड़कों का निर्माण का औसत 6.54 किलोमीटर प्रतिदिन था, जो बढ़कर अब वर्तमान में 20.68 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। 1,000 से अधिक आबादी की बस्ती सड़क से जुड़ गए हैं और 2023 तक 500 आबादी वाली बस्तियां भी अधिकांश रूप में जुड़ जाएगी। सब महोदय एक मिनट, कितना प्रभाव पड़ा है? काजी कुंड बनिहाल सुरंग के निर्माण से अब श्रीनगर से जम्मू की यात्रा जो पहले 10 घंटे में पूरी होती थी, अब 5 घंटे 50 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण 24 घंटे बिजली की उपलब्धता देने में सफल हो रहे हैं। आईआईटी और आईआईएम प्रारंभ होने से जम्मू कश्मीर के हजारों विद्यार्थी आज तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2 नए M7 मेडिकल कॉलेज, 2 राज कैंसर अस्पताल तथा 15 नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण का प्रारंभ हो गया है। राजकीय डिग्री कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 96 से बढ़कर 147 हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर के हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। घरों से टैप, पहले 31 घरों में टैप मीटर कनेक्शन से, बस आधा मिनट सर, बहुत 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 बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। पंचायती राज का चुनाव हुआ है, जिससे सरकार हुआ है, रोजगार के अंतर्गत का भी कौर के उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि 80 के दशक में कश्मीर के लोगों को बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ा था। वहां के लोगों के मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जमीन छीन ली गई। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि 2019 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आधारभूत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण विकास हो रहा है, इस दौर में कितने हिंदुओं की जमीन और कितने मंदिरों की जो जमीन संपत्ति, जब मंदिर ध्वस्त किया गया था, उस जमीन को रिस्टोर करना, उनको चिन्हित करना, उस पर अधिकार दिलाने की कोशिश की गई। महोदय, जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट प्रवासियों की अचल संपत्तियों के कानूनी अभिरक्षक हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिनांक 7/9/2021 को एक पोर्टल की शुरुआत किया है। जिन जिन पर जुर्म ढाए गए हैं, अत्याचार अनाचार के कारण जो घाटी छोड़कर आए हैं, जिनकी संपत्तियां जबरन ले ली गई है, मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री जी सब ऐसी संपत्तियों को वापस करने में भी सक्षम है, लगातार प्रयासरत है। जिनकी शिकायत सही होगी उनकी एक एक कर जमीन वापस की जाएगी और अभी तक 610 आवेदकों की संपत्ति वापस की गई है।